आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो 21 मार्च 2021 को शुरू हुआ। वो ये अभी जो है जो 75 साल हुए हैं वो समापन की तौर पर हो रहे हैं और अगस्त के महीने पूरा और भारत माता जो है वो आजाद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक विशेष कार्यक्रम जो है वो देश को दिया है, सरकार की तरफ से सरकार को दिया है, वो है इस माटी का बंधन और वीरों का बंधन। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिन वीरों ने उस समय जो है कुर्बानियां दी, जा आज इसकी सुरक्षा के लिए लगातार कुर्बानी दी, शहीद हो गए, जा आज भी वो सेवा निवृत्त है, इस प्रकार के लोगों का जो है उनका बंधन ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है अलग अलग कार्यक्रम है, सरकार इसको करेगी और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम समाज के रूप में, क्योंकि भारत भारतीय जनता पार्टी एक समाज की पार्टी है, तो हम ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर एक आम जो है कार्यकर्ता के तौर पर, एक आम शिकारी के तौर पर हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उस उन्होंने तय किया है। उसी सिलसिला में आज एक बैठक पहले सांबा में हुई, आज डोवा में बैठक कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में मैं जो है एक तो हर गांव में ये पंचायत स्तर के ऊपर कार्यक्रम होगा सरकार की ओर से, और उस गांव में हमारे जो शहीद हुए सेना के लोग, स्वतंत्रता सेनानी, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोग, पुलिस के जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनकी सूचियां बन रही हैं सरकार की ओर से, और उसकी उस जहां पर उनका एक स्मारक बनेगा, प्रधानमंत्री जी का उसमें संदेश होगा, उस संदेश में वो जो है देश के नाम वो संदेश होगा, उनको बंधन के लिए संदेश होगा, जो कि एक हर गांव में एक हमारे लिए एक शहीदी स्मारक बनेगा। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उन लोगों को याद करने का। फिर उस गांव में जितने भी हमारे लोग हैं जो शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी से लेके सुरक्षा बल और सेना के लोग, उनके परिवारों को, और जो आज भी रिटायर्ड लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आज वो गांव में बैठे हुए हमारे सेना के लोग, सुरक्षा बल के लोग और वहां के पुलिस के लोग, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए सारी उम्र लगाई है, उनका बंधन करना, उनका अभिनंदन करना, ये भी कार्यक्रम जो होंगे। और इसके साथ साथ हमने ये तय किया पार्टी ने कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी के नौजवान, बाकी लोग जो हैं, तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। ये तिरंगे को लेकर यात्राएं होंगी, पार्टी कर रही है, लेकिन ये देश के लिए होगा। इसी तरीके से हमारे जो स्मार्ट हैं, हमने देखा हो कि जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में शायद ही कोई गांव होगा जहाँ कोई इस प्रकार की जगह जहाँ कोई किसी शहीद का स्मारक नहीं है, किसी का जो है स्टैचू नहीं लगा है, उसका जाके उनका स्टैचूज के ऊपर जाना, उसका जो है उनकी साफ सफाई करना, उसको पवित्र उस पवित्रता करो, और उसके ऊपर फिर वो है वहां पर जाके फूल मालाएं चढ़ाना, उनको श्रद्धांजलि देना, और पंच प्राण कि मैं इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, बाकी जो हमारे इस देश के आम लोगों के लिए, मैं जो पांच जो प्रण हैं उन प्रण की जो है होगी, वो कार्यक्रम होंगे बड़े बड़े, सरकार की ओर से भी होंगे, समाज की ओर से भी होंगे, और जो सामाजिक कार्यक्रम में जो कोई भी कार्यक्रम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक शहरी के तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये कुल मिला के जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मैं आपके माध्यम से सभी जो है भाई बहनों को, भारतवासियों को, एक तो मैं स्वतंत्रता दिवस की जो है अग्रिम जो है उनको बधाई देता हूँ, और मैं उनसे अपील करूँगा कि ये जो जो स्वतंत्रता का जो अमृत जो महोत्सव है इसमें बचत का हिस्सा नहीं, ये हर भारतवासी का है, हर शहरी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं है, हम सभी का है। और तिरंगा हमारा जो है
हमारे सामने रहेगा सरेंडर को लेके हम जो है भारत माता की जय बोलेंगे, इसमें सभी आए और हम पार्टिसिपेट करें। विशेष तौर पर मैं कहूँगा हमारे युवा लोग, हमारे जो है बाकी जो पूर्व सैनिक हैं, बाकी लोग हैं, बाकी आम लोग हैं, किसान हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, यही मैं आप सभी से अपील करूँगा।